नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। हम इस समय मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास, जिनके पास अनूपपुर जैसी सीट को जिताने का भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा सौंपा है। हम उनसे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात अनूपपुर चुनाव को लेकर, अनूपपुर में क्या स्थितियाँ देख रहे हैं आप? अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। रिकॉर्ड वोटों से अनूपपुर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जैसा कि अभी लगातार चुनाव जब शुरू हुए थे तो मुद्दे जो भी थे, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों की जगह इस समय जातिवाद और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे बढ़ता जा रहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में इस तरीके की बातें बेहतर होंगी? देखिए, 15 महीने में कमलनाथ की सरकार से लोगों में जो असंतोष और आक्रोश था, ये सरकार बदलने से जनता राहत महसूस कर रही है और जिन लोगों ने इस सरकार को बदलने में भूमिका निभाई है उनके प्रति लोगों की भावना बहुत अच्छी है कि उन्होंने जन विरोधी सरकार को हटाने में अपनी मदद की है और आज वही लोग चुनाव के मैदान में हैं तो जनता उनको पुरस्कार जरूर देगी। जैसा कि अभी पिछले दिनों यहाँ के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है अजय सिंह राहुल, उनका एक बयान आया, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया, उसको लेकर जिस तरीके का माहौल इस समय चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? उनके खिलाफ माहौल पहले से था, अब उन्होंने बयान देके आग में घी डाल दिया है तो और भी उनकी जो नकारात्मक छवि है वो और मजबूत हो गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे और फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी को जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उससे निश्चित रूप से फायदा होगा। आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, ऐसा कहना था पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल का। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।